राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि उत्तराखंड के मेहनती लोग अपनी इस नई पहचान के साथ प्रगति और विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड का भौतिक और डिजिटल संपर्क लगातार बढ़ रहा है, राज्य के आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हुई बहुआयामी प्रगति से निवेशकों में उत्साह का संचार हुआ है। स्थापना दिवस के इस समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, सभी छात्र छात्राएं, देवियों और स्वजनों, मैं आज राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड की सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपनी अलग पहचान स्थापित करने और अपने विकास का रास्ता तय करने का उत्तराखंड के निवासियों का सपना आज ही के दिन यानी 9 नवंबर को वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य की स्थापना के साथ पूरा हुआ था। उस समय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। बाद में राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि नई पहचान के साथ उत्तराखंड के परिश्रमी लोगों ने राज्य के लिए विकास और प्रगति के नित नूतन शिखरों पर अपने कदम जमाए हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप देवालयों से पवित्र उत्तराखंड को देवभूमि कहने की परंपरा वंदनीय है। साथ ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती एवं शक्ति के अन्य पूजनीय स्वरूप से ऊर्जा प्राप्त करने वाली तथा गंगा जमुना जैसी नदी माताओं के स्नेह से सिंचित ये पावन धरती देवी भूमि भी है। ये क्षेत्र जय महाकाली और जय बद्री विशाल के पवित्र उद्घोष से गुंजायमान है। हिमकुंड साहिब और नानक सत्ता से निकले गुरबानी के स्वर यहाँ के वातावरण को पावन बनाते हैं। उत्तराखंड की इस देवभूमि से मैं सभी देशवासियों के लिए दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ और महालक्ष्मी से ये प्रार्थना करती हूँ कि उत्तराखंड सहित समस्त भारत को वे धन धान्य से तथा सुख और आरोग्य से परिपूर्ण करे। देवियों और स्वजनों, उत्तराखंड की अलग पहचान और स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले स्वर्गीय श्रीमती सुशीला बोलुनी जी को इस राज्य के सभी निवासी तो याद रखते हैं। नारी में संघर्ष की शक्ति के उदाहरण के स्वरूप उन्हें सभी देशवासी सदैव स्मरण करेंगे। श्रीमती सुशीला बोलुनी जी का अदम्य साहस यहाँ की महिलाओं की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप था। श्रीमती बिरानी देवी शाह ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने असाधारण साहस का परिचय दिया था। माउंट एवरेस्ट पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला बचेंद्री पाल जी और पेड़ों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष करने वाली गौरा देवी जैसे उत्तराखंड की महिलाओं ने पूरे देश के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के बेटी वंदना कटारिया ने एशियन गेम में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति को मजबूत बनाया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को अनुमति प्रदान करते समय मुझे विशेष प्रसन्नता हुई थी क्योंकि अधिनियम उत्तराखंड सहित हमारे देश की बहनों और बेटियों के लिए राष्ट्र निर्माण में उच्च स्तरीय योगदान देने हेतु मार्ग प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड की ये भूमि वीर प्रसवा रही है। स्वाधीनता के बाद के सभी युद्धों में उत्तराखंड के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी वीरों को और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करती हूँ। भारतीय सेना ने शामिल होकर भारत माता की रक्षा करने में यहाँ के युवा गर्व की अनुभव करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के प्रति उत्साह का ये भाव सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। मैं उत्तराखंड के निरंतर विकास के लिए राज्यों की सभी निवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। राज्यों के विकास को राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सक्रिय नेतृत्व से दिशा और शक्ति प्राप्त हो रही है।
इसके लिए मैं आप दोनों की तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा विश्वास है कि देवी देवताओं के विशेष आशीर्वाद से समृद्ध इस पावन भूमि के निवासीगण सुख समृद्धि और विकास की नई ऊंचाई तक अवश्य पहुंचेंगे। राज्य स्थापना दिवस के आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।